हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म हाउसफुल 4 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने फर्स्ट वीक में काफी ताबड़तोड़ कमाई कर चुकी है और कई सारे रिकॉर्ड बना चुकी है। आज से दोस्तों इस फिल्म का सेकंड वीक भी चालू हो चुका है और अपने सेकंड वीक में भी दोस्तों ये फिल्म कई सारी नई फिल्मों के बाद भी काफी शानदार कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की रीइनकॉर्नेशन के ऊपर बनाई गई इस कॉमेडी फिल्म को ऑडियंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। वही दोस्तों, क्रिटिक्स के द्वारा की गई काफी ज्यादा नेगेटिविटी के बाद भी सुपरस्टार अक्षय कुमार के स्टारडम के कारण ही यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ अपने 7 दिनों में ही सुपरहिट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग 3900 स्क्रीन्स पर लगने वाली इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ 19.8 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वही अपने फर्स्ट वीकेंड में दोस्तों इस फिल्म ने कमाए थे लगभग 54 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म प्री दिवाली में रिलीज होने वाली बॉलीवुड हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी थी और इस फिल्म ने सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिस 3 को पीछे कर दिया था। फर्स्ट वीक में दोस्तों इस फिल्म ने काफी शानदार होल्ड किया और जहां इस फिल्म ने अपने चौथे दिन कमाए 34.56 करोड़ रुपए, पांचवें दिन कमाए 24.04 करोड़ रुपए, छठे दिन का कलेक्शन रहा था 16.35 करोड़ रुपए का, वही दोस्तों सातवें दिन इस फिल्म ने कमाए थे 13.14 करोड़ रुपए। इस तरह से यह फिल्म अपने फर्स्ट वीक में टोटल लगभग 141 करोड़ 31 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी। बताया दोस्तों आपको कि ऑडियंस इस फिल्म को काफी पसंद कर रही है। अक्षय कुमार सर की कॉमेडी टाइमिंग और एक्सप्रेशन इस फिल्म में लाजवाब है और इसी कारण से दोस्तों फैमिली ऑडियंस भी इस फिल्म को काफी एंजॉय कर रही है। बताते चले दोस्तों आपको कि आज इस फिल्म का सेकंड वीक भी चालू हो चुका है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टर्मिनेटर द डार्क फेट, उजड़ा चमन और कई सारी नई फिल्में रिलीज हो चुकी है। इसी कारण से दोस्तों हाउसफुल 4 की सेकेंड वीक की स्क्रीन है वो 3900 से कम करके अब लगभग 2600 कर दी गई है और इन 2600 स्क्रीन पर दोस्तों आज की इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी वो रही थी 18 से 20% की। अफ्टरनून में दोस्तों इस फिल्म की काफी शानदार ऑक्यूपेंसी रही और अफ्टरनून में इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी थी वो रही थी 40 से 45% की। वही दोस्तों आज इवनिंग में इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो हर जगह हाउसफुल हो चुकी है और बताया दोस्तों आपको कि आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो हो चुका होगा लगभग 151 करोड़ 31 लाख रुपए का। वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 215 करोड़ की कमाई करके 2019 के हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी होगी। बताते चले दोस्तों आपको कि कल से छठ पूजा भी चालू होने वाली है, इसी कारण से दोस्तों यह फिल्म कल और परसों भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 15 और 18 करोड़ की कमाई करने वाली है। इसी के साथ इस फिल्म का जो 10 दिनों का टोटल कलेक्शन होगा वो हो चुका होगा लगभग 180 से 185 करोड़ रुपए का और यह फिल्म अपने सेकंड वीक में ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार करके सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत को पीछे कर चुकी होगी और ईद पर रिलीज हुई उनकी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म रेस 3 को भी पीछे कर चुकी होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अक्षय कुमार सर की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर पाएगी, 200 करोड़, 250 करोड़ या फिर 300 करोड़? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आज ही हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की न्यूज मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।